सब्सक्राइब कीजिए अष्टक गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका भवन या आपका मकान या आपका प्लाट किस दिशा में शुभ माना गया है, आपका द्वार किस दिशा में शुभ माना गया है। तो मित्रों, आपका घर वास्तु के अनुसार बना हुआ हो तो घर में सुख धन समृद्धि आदि की सदा प्राप्ति होती रहती है और आपके जीवन से परेशानियां हमेशा ही दूर रहती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपके भवन का मुख्य दरवाजा, बेडरूम, पूजा घर, किचन, टॉयलेट किस दिशा में शुभ माना गया है, आपकी तिजोरी और अलमारी आपको कहाँ रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इनसे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, पूर्व दिशा के बारे में वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि इस दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। सूर्य पूर्व से ही उदय होते हैं। यह दिशा शुभारंभ की दिशा है। भवन का मुख्य दरवाजा इसी दिशा में बनाने का सुझाव वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ा ही शुभ माना गया है। इसके पीछे वास्तु शास्त्र में दो तर्क है, पहला कि दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना और दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी व हवा की उपलब्धता पर्याप्त रूप से मकान में पूर्ण पड़ती रहती है और सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणें रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को सदा ऊर्जावान बनाए रखती है। अब वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा के बारे में इस प्रकार बताया है कि इस दिशा के प्रतिनिधि देवता धन के स्वामी कुबेर हैं। यह दिशा ध्रुव तारे का भी स्थान है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा स्थायित्व व सुरक्षा का प्रतीक बताया है। यही वजह है कि इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के निमित्त बड़ा ही उत्तम व शुभ माना जाता है। और भवन का प्रवेश द्वार यानी मुख्य द्वार, लिविंग रूम, बैठक इसी भाग में बनाने का वास्तु के अनुसार सुझाव दिया जाता है और भवन के उत्तरी भाग को खुला भी रखा जा सकता है। और भवन का उत्तरी भाग के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि भारत जैसे कि उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए उत्तरी भाग अधिक प्रकाशमान रहता है। यही वजह है कि उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है, जिससे इस स्थान से घर में प्रवेश करने वाला प्रकाश कभी बाधित नहीं हो। अब वास्तु के अनुरूप उत्तर पूर्व का जो कोण है उसके बारे में इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा बाकी सभी दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। इस कोण पर देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों का हमेशा वास रहता है, इसलिए यह घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। भगवान शिव का नाम ईशान है। चूंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं के मिलने वाले कोण पर उत्तर पूर्व का क्षेत्र बनता है। इसी वजह से घर या प्लाट का सबसे उत्तम या शुभ तथा ऊर्जा के स्त्रोत्र का शक्तिशाली कोणा ईशान कोण माना जाता है। यहाँ देवीय शक्तियां भी बढ़ती है, क्योंकि इस क्षेत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति और मोक्ष के कारक केतु का भी वास रहता है। उत्तर व पूर्व दिशा के संगम स्थल पर बनने वाला जो कोण है उसे ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में आपको कभी भी भूल कर भी कूड़ा कचरा या शौचालय इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ईशान कोण को हमेशा खुला रखना चाहिए या इस भाग पर जल स्त्रोत्र भी बनाया जा सकता है या देव मंदिर भी बनाया जा सकता है। उत्तर पूर्व दोनों दिशाओं का समग्र प्रभाव ईशान कोण पर पड़ता है। पूर्व दिशा के प्रभाव से ईशान कोण सुबह के सूरज की रोशनी से हमेशा प्रकाशमान रहता है, तो उत्तर दिशा के कारण इस स्थान पर लंबी अवधि तक प्रकाश की किरणें पड़ती रहती हैं। ईशान कोण में जल स्त्रोत्र बनाया जाए तो सुबह के सूर्य की पराबैंगनी किरणें उसे स्वच्छ व पवित्र कर देती है। अब वास्तु के अनुरूप पश्चिम दिशा के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा जल के देवता वरुण की दिशा है। सूर्य जब अस्त होते हैं तो अंधेरा
हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का एहसास कराता है। यह बताता है कि जहां आरंभ है वहां अंत भी है, और शाम के तपते सूरज और इसकी इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पूर्ण रूप से पड़ता है, जिससे यह अधिक गर्म भी हो जाता है। यही वजह है कि इस दिशा को शयन कक्ष के लिए उचित नहीं माना जाता है, यानी इस दिशा में आपको शयन कक्ष भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। और इस दिशा में आपको शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियों अथवा स्टोर रूम आदि का निर्माण आप पश्चिम दिशा में कर सकते हैं। इसके अलावा इस भाग में पेड़ पौधे भी आप लगा सकते हैं, जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अब वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा वायु देवता की दिशा है। उत्तर पश्चिम भाग भी संध्या के सूर्य की तपती रोशनी से प्रभावित रहती है, इसलिए इस स्थान को भी शौचालय, स्टोर रूम, स्नान घर आदि के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर पश्चिम में शौचालय, स्नान घर का निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से संध्या के सूर्य की ऊष्मा से बचे रहते हैं, जबकि यह ऊष्मा शौचालय एवं स्नान घर को स्वच्छ एवं सूखा रखने में सहायक होती है। अब आगे दक्षिण दिशा के बारे में वास्तु के अनुरूप इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से होता है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए शयन कक्ष बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बालकनी या बगीचे जैसे खुले स्थान नहीं होना चाहिए। इस स्थान को खुला न छोड़ने से यह रात्रि के समय न अधिक गर्म रहता है न ज्यादा ठंडा रहता है। यह भाग शयन कक्ष के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। और वास्तु के अनुरूप दक्षिण और पश्चिम इस दिशा के बारे में इस प्रकार बताया है कि यह दिशा निरुति अर्थात स्थिर लक्ष्मी, धन की देवी मानी गई है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या ग्रह स्वामी का शयन कक्ष आपको बनाना चाहिए। इस दिशा में दक्षिण व पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए यह दिशा वेंटिलेशन के लिए बेहतर मानी जाती है। यही कारण है कि इस दिशा में ग्रह स्वामी का शयन कक्ष बनाने का सुझाव दिया जाता है, और तिजोरी या अलमारी को इस हिस्से की पश्चिमी दीवार में स्थापित आपको करना चाहिए, जिससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती रहती है और धन की स्थिरता बढ़ती है, माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब बताया है दक्षिण और पूर्व का जो कोणा होता है, इस दिशा के प्रतिनिधि देवता अग्नि है। यह दिशा ऊष्मा, जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक मानी गई है। रसोई घर के लिए यह दिशा सबसे उत्तम मानी गई है, यानी किचन आप इस आग्नेय कोण में बना सकते हैं। दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है वह आग्नेय कोण माना गया है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में यदि आप किचन बनाते हैं, रसोई घर बनाते हैं, तो यह आपके लिए बड़ा ही शुभ माना गया है। और सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण रसोई घर मक्खी, मच्छर आदि कीटाणुओं से भी मुक्त रहता है। और दक्षिण पश्चिम यानी वायु की प्रतिनिधि जो दिशा है उसमें आप वजनदार सामान आदि रख सकते हैं, यह भी शुभ माना गया है। तो मित्रों, यह थी वास्तु के अनुसार आपके भवन का निर्माण किस प्रकार आपको करना चाहिए, किस ओर आपको घर का द्वार रखना चाहिए, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी। आशा करता हूँ मित्रों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे।